नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। कोरोना वायरस एक बार फिर से देश में कई जगहों पर वापसी कर रहा है। देश में कई जगहों पर अचानक से कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ताज़ा मामला दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो फ्लाइट की है, जहां एक यात्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अचानक से हड़कंप मच गया। बीती रात एक यात्री जिसने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट विमान में बैठने के बाद आई, जिसमें वो यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अचानक से विमान में कोरोना पॉजिटिव यात्री के पाए जाने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल इंडिगो की उड़ान 6C-286 पुणे के लिए टेक ऑफ की तैयारी कर रही थी, जब उस आदमी ने केबिन क्रू को बताया कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है और इसे साबित करने के लिए उन्हें दस्तावेज दिखाए। फ्लाइट के पायलट ने स्थिति के बारे में ग्राउंड कंट्रोलर को बताया और लौटने का फैसला किया। पायलट द्वारा एक घोषणा की गई थी कि सीटों की 3 पंक्तियों पर यात्री 6 से 8 तक पहले नीचे उतरें और कोच में रुकने का इंतजार करें। इसके बाद सभी यात्रियों को फिर से विमान से उतारा गया और कोरोना पॉजिटिव मरीज को अस्पताल भेजा गया। फ्लाइट को सैनिटाइज करने के बाद वापस पुणे के लिए उड़ान भरी। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में ही दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से पार दर्ज की गई। दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव केस 1700 के पार चले गए हैं। गुरुवार को 66,432 लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया। इनमें से 261 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार को कोरोना संक्रमण की दर 0.39% दर्ज की गई, जबकि 1 मार्च को ये दर 0.44% थी, जो 1.5 महीने में सबसे अधिक थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।